सब्सक्राइब कीजिए सर आजम अली यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम 9th क्लास इंग्लिश के गेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर हैं जो आप स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कस कर लें तो चैप्टर नंबर 1 में से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उसमें 2, 3 और 7 ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर लें तो इसमें आपने 1 और 2 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आप स्टूडेंट्स ने तैयार करने हैं। उसके बाद बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें 3 और 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से आप स्टूडेंट्स ने तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 4 में से आपने 2, 3 और 7 ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 1, 3 और 4 ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 5 ये 2 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करने हैं। चैप्टर 11 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 ये 3 क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो बेटा इसमें 1, 2, 4 ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए हैं इनमें से आपने कोई भी नहीं छोड़ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और जो आपने ट्रांसलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स करने हैं उसमें आपने चैप्टर नंबर 1 इसका आपने पैराग्राफ नंबर 3, 6 और 9 ये 3 पैराग्राफ बेटा आपको अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें 1 और 3 ये 2 पैराग्राफ आप बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार करना होंगे। ये कुछ गिने चुने पैराग्राफ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें 2, 4, 7 ये 3 पैराग्राफ आपको करने हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें इसमें 1 और 4 ये 2 आपको करने हैं अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें 4, 6, 10 ये 3 पैराग्राफ बेटा आपको इसमें से करने हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन के हवाले से लास्ट चैप्टर की बात करें तो जो कि चैप्टर नंबर 9 है जो आपको उसमें से पैराग्राफ करना है 1 और 10 ये आपको पैराग्राफ करने हैं। तो ये गिने चुने पैराग्राफ हैं कुछ चैप्टर्स के, ये आप स्टूडेंट्स अगर 1 घंटा बैठ के भी अच्छे तरीके से पढ़ें तो आप इनके ट्रांसलेशन को कर सकते हैं, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बोर्ड के पेपर में आने के। अगर हम कंप्रीहेंशन के बारे में बात करें तो कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ करने हैं उसमें जो अनसोल्व हैं वो 3, 4, 5, 8, 11 और 13 ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसमें 4 और 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के, लेकिन आपने ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं अनसोल्व ये अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद अगर सोल्व पैराग्राफ के हवाले से डिस्कस कर लें तो इसमें 2, 3, 4, 5 और 9 ये आपको 5 अच्छे तरीके से सोल्व कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ आपको करने होंगे। तो इनमें से आपने कोई भी एक स्किप नहीं करना, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स के हवाले से डिस्कस करें तो इसमें आपने लेटर नंबर 3 अच्छे तरीके से करना है, लेटर नंबर 4 अच्छे तरीके से करना है, 5, 6 उसके बाद आपने 8 लेटर, लेटर नंबर 10 और लेटर नंबर 12 ये आपको अच्छे तरीके से लेटर तैयार करने हैं। मैं आपको इंशाल्लाह एक लेटर प्रोवाइड करूँगा, अगर आपको कोई भी लेटर आ जाए बोर्ड के एग्ज़ाम्स में तो आप वो लेटर अगर लिख देंगे तो आपको इंशाल्लाह 7 से 8 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये कुछ गेस्ट पेपर थे जो मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए। कंप्लीट गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएंगे जिसके अंदर एमसीक्यूज़ भी होंगे, हर चीज़ उसके अंदर होगी, वो इंशाल्लाह जल्द ही आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप स्टूडेंट्स का इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। आप स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को ज़िंदगी में कदम कदम पर कामयाबियों से नवाजे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।